ग्वालियर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर के फूलबाग स्थित सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का तकरीबन 100 करोड़ कीमत के हीरा पन्ना पुखराज नीलम सोना चांदी के आभूषणों का श्रृंगार किया। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन गोपाल कृष्ण भगवान का रियासतकालीन बेशकीमती आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु गोपाल पहुंचे हैं और भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आज जिस तरह से हमारा पूरा देश पूरा प्रदेश भगवान कृष्ण जन्म उत्सव को मना रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए इस देश की खुशहाली के लिए सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब अपने पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ये काफ़ी गोपाल मंदिर जो है हमारे आराध्य का काफ़ी पुराना मंदिर है और भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है और बड़े हमारा सौभाग्य है कि हमारे ईश्वर को हमारे आराध्य को स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके ये बताया जाता है कि आज भी ईश्वर की कहीं ना कहीं लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था है, उनका प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर पर सभी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। देखिए जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में ग्वालियर में भी गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमेशा की तरह यहाँ पे श्री कृष्ण जी और राधा रानी का श्रृंगार पुराने वस्तुओं से, जिसमें चांदी की वस्तुएं, सोने की वस्तुएं और बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य पत्थर हैं, उनसे नग हैं, उनसे उनका श्रृंगार किया गया है। व्यवस्था भी हमने ये बना के रखी है कि लोगों को भी असुविधा न हो, बाहर भी LCD स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोगों के दर्शन सुलभ तरीके से हो। ये अभी हम लोग ने करीब 11 बजे से ये पूरी व्यवस्था की थी, यहाँ पे उनका श्रृंगार कर दिया गया है और रात के 12 बजे तक ये पूरा रहेगा यहाँ पे, उसके बाद बैंक खुलवा के हम लोग वापस आएंगे। हमारे ग्वालियर में जन्माष्टमी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाई जाती है। मुख्यतः यहाँ गोपाल मंदिर पुराना मंदिर है, पुरानी परंपरा है इसकी और इसमें व्यवस्था पूरी लगाई गई है। इसमें कुछ जगह वगैरह आने जाने का भी रहता है तो वो भी व्यवस्था लगाई गई है, उसमें जीओ से लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर फोर्स उपलब्ध रहेगा जो आने जाने वालों पर भी निगाह रखेगा, असामाजिक तत्वों पर भी जो भी उसको निगाह रखेंगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमारे शहर में द्वारकाधीश मंदिर, हमारे शहर में सनातन धर्म मंडल का मंदिर और कोटेश्वर मंदिर और यहाँ पे कई जुलूस भी निकलते हैं, उसकी व्यवस्था भी लगाई गई है। दिन भर चूँकि श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जगह जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से चलती है।